नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के कृषि और ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। आज हमने देखा कि इंटरिम बजट स्पीच में एफएम ने काफी फोकस किया एग्रीकल्चर पर, चाहे वो पीएम सम्मान निधि की बात हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो या ई नैम की बात हो। किस तरह से देखते हैं आप ये बजट एग्रीकल्चर के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया, उसमें न केवल बजट के माध्यम से लेखा जोखा की बात की, बल्कि एक विजन के साथ भविष्य भारत की बात की। और उस दिशा में पिछले दशक में, यानी पिछले कई वर्षों में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए, जो योजनाएं प्रारंभ की गई और उससे जो लाभ मिला है और आगे जो मिलने वाला है और आगे जो लक्ष्य निर्धारित है, ये विकसित भारत बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कार्य योजना, लॉन्ग टर्म विजन है। और इसलिए उसमें एक प्रमुख पिलर के रूप में अन्नदाता को, किसानों को, फार्मर्स को उन्होंने चिन्हित करते हुए कि पूरे देश के किसान किसान परिवार है और उनके साथ मिल करके हमें देश आगे बढ़ाना है और किसान की खुशहाली से देश की खुशहाली है। तो ये जितने भी योजनाएं आपने जिक्र किया और जो आज चर्चा में आई, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम सबको खुशहाल राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और इस दिशा में कुछ योजनाएं प्रारंभ हो गई है, कुछ योजनाएं आगे प्रारंभ हो गई है और उसका लाभ समस्त देशवासियों को मिलेगा। बिल्कुल, चार पिलर्स की भी लगातार सरकार बात करती है, वो किसान, महिला, युवा और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं। इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं जो विकसित भारत का सपना है? ये बहुत महत्वपूर्ण और एक डायनामिक लीडरशिप का परिणाम आपको दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धि एज ए इकोनॉमी, देश की जो इकोनॉमी है आज 5 ट्रिलियन से बढ़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। और जो अर्थव्यवस्था का रिसर्च करने वाले संस्थाएं भारत के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में काफी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत वैश्विक मंदी के बीच में भी बहुत अच्छी स्थिति बना करके आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, एक व्यूज उन लोगों का आ रहा है। इसी के साथ साथ आप 5वीं इकोनॉमी से हम 3रा इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो यह सारी बातें एक डायनामिक लीडरशिप के माध्यम से हो रही है और अच्छी सुशासन के माध्यम से हो रही है, गुड गवर्नेंस के साथ। आज दुनिया आकर्षित हो रही है भारत के तरफ और इस समय में इसे एक नए तरीके से फिर जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार का, इनोवेशन का। और आज आपने देखा होगा कि इनोवेशन में उन्होंने 1,00,000 करोड़ से अधिक की राशि, ताकि अनुसंधान में हमारा अधिक से अधिक लाभ इस देश को मिले। जी, चलते जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट अपने आप में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तरह का सपोर्ट पाए ताकि रिसर्च के नए नए चीजें उभर करके, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो या डिजिटल हो या स्पेस में हो या भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, वो इनोवेशन के साथ जुड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।